हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी सेकंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में दो वीडियोज हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद इसमें जो कुछ रिएक्शंस बची हुई हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो एल्कोहल की, वहाँ पे दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक तो वो वाली रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और सेकेंड वो वाली रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हमारे जो अभी के लिए चल रही हैं वो चल रही हैं जो ऐसी वाले रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 6 रिएक्शन है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ 2 वीडियोस में। यहाँ पे जो 7th रिएक्शन आती है वो आती है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। एक तो होती है डिहाइड्रोजिनेशन एंड सेकेंड वन इज डिहाइड्रेशन। देखिए, नाम से दोनों जो रिएक्शंस हैं वो काफी सिमिलर लग रही हैं, लेकिन इनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और वो डिफरेंस है वो क्या होता है, देखिए, डिहाइड्रेशन, गर्मी का टाइम चल रहा है, डिहाइड्रेशन के बारे में तो सब लोग जानते हैं आई थिंक कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया। डॉक्टर्स हैं वो मोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया गर्मी के टाइम में। तो डिहाइड्रेशन दैट मींस कि यहाँ से H2O का एलिमिनेशन हो रहा है, और डिहाइड्रोजिनेशन कि यहाँ से H2 गैस, हाइड्रोजिनेशन यहाँ से H2 गैस है वो इवॉल्व हो रही है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आया। डिहाइड्रेशन वहां पे तो क्या होगा, H2O का एलिमिनेशन होता है, और डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पे क्या होता है, H2 गैस इवॉल्व होती है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस का, ठीक है। अब देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है वो हमें देखनी है। तो अल्कोहल से वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है वो किस तरह से देते हैं, ये चीज हम देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे जब आप किसी भी अल्कोहल की, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री का डिफरेंट केस होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी के लिए एक बार जो सेम केस है 1 डिग्री और 2 डिग्री का वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जब हम रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर, या फिर यदि आपको टेम्परेचर जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहती तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेल्टा है वो मेंशन कर सकते हो कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज यदि ध्यान में रहता है कि 573 केल्विन पर रिएक्शन होती है तो वो बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री अल्कोहल हो, दोनों में से किसी भी की रिएक्शन यदि आप कराते हो कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ से H2 गैस का इवोल्यूशन होता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री का डिफरेंट होता है और 2 डिग्री का डिफरेंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे किस तरह से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा होता है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ से हीट करते हैं तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अभी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई किस तरह से है? तो देखिए, हमने क्या रखा, RCH2OH रखा है। अब देखिए, ये हो गया अपना RCH2OH, CH2OH को यदि मैं कुछ इस तरह से लिख दूं किसी को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। CH2 अभी भी ये वाला जो हाइड्रोजन है किस पे जुड़ा हुआ है, कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि हमने क्या पढ़ना है कि यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, बैक साइड पे आएंगे, और यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट कर जाएगा। H पॉजिटिव का एलिमिनेशन हो गया इजीली। अब देखिए, जैसे ही बैक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट मींस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है, और यदि यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यहां से ये वाला जो एक हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड H नेगेटिव की फॉर्म में यहां से एलिमिनेट करेगा। तो यहां से कौन आ रहा है, H नेगेटिव आ रहा है, H नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके फॉर्मेशन किसकी करेंगे, H2 गैस की फॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस वाले जो रिएक्शन को थोड़ा सा आप सिमिलर किसके समझ सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में भी हमने क्या किया था, सेम ही चीज की थी कि वहां से भी हमने क्या किया था, H2 गैस का इवोल्यूशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 गैस है वो इवॉल्व होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो 1 डिग्री का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या होने वाला है, एल्डिहाइड होने वाला है, ठीक है। ये हमने कोई जनरल 1 डिग्री अल्कोहल लिया, देन हमने यहाँ पे एथेनॉल लिया, तो एथेनॉल से कौन सा फॉर्म होगा अपना, एसिट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। देन हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। तो 2 डिग्री अल्कोहल में देखिए, हमने कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है वो कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी
जो मैकेनिज्म है वो तो सेम ही अप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से एच पॉजिटिव जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सब बैक साइड पे आएंगे, और यहाँ से कौन रिमूव करेगा, एच निगेटिव। एच पॉजिटिव मिलके और एच निगेटिव मिलके फॉर्मेशन किसकी करेंगे, एच टू गैस की फॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ से जैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल से एच टू गैस इवॉल्व होती है तो फॉर्मेशन किसकी होती है, कीटोन की फॉर्मेशन होती है। 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट कौन सा देता है, एल्डिहाइड देता है। 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट क्या देता है, कीटोन देता है। अब देखिए यहाँ पे हमने पर्टिकुलर रख लिया 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल को जब हम कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यहाँ से एसीटोन की फॉर्मेशन होती है और साथ में H2 गैस वो इवॉल्व होती है। तो ये तो हुई बात 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की। अभी देखिए मैं 3 डिग्री एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो देखिए 3 डिग्री की यदि मैं बात करूं तो 3 डिग्री जो अपना अल्कोहल होता है उसमें देखिए मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल है वो इनर्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, और वो क्या करता है यहां से H2 गैस का एलिमिनेशन करके, सॉरी H2O, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है वो नहीं होती, तो फिर कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। देखिए अगेन बता रही हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं देता, तो फिर कौन सी देता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, यहाँ से एल्किन होता है। रिएक्शन देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ से हमने ले लिया कोई 3 डिग्री अल्कोहल, सपोज लाइक दैट ये ले लिया हमने, ठीक है, ये हमने कोई 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। अब 3 डिग्री अल्कोहल में देखिए एक बार के लिए यदि आप मान लेते हो कि यहां से हमने H पॉजिटिव निकाल दिया, तो अब H निगेटिव कहां से जाए, कोई कोई यहाँ से हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, 3 मेथिल ग्रुप है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और मेथिल का यहाँ से इवोल्यूशन हो नहीं सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो भी तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, बाकी वाली जो रिएक्शन है उनमें हम एच टू गैस एलिमिनेट कर रहे हैं, तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, क्यों रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है, वहां से इवोल्यूशन ऑफ एच टू गैस होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकती। देन हम क्या करते हैं यहाँ से कि ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, OH नेगेटिव जाता है, और OH नेगेटिव जाने के बाद कोई भी अपना एक मेथिल ग्रुप है उसमें से एक H पॉजिटिव जाता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एल्किन की। देखिए अगेन बता रही हूँ कि यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, ऑक्सीजन की तरफ, OH नेगेटिव है वो यहाँ से बाहर हो गया, और OH नेगेटिव बाहर होते ही इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होता है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2O की है, H2O जो का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से माइनस होता है, और फॉर्मेशन किसकी होती है, देखिए हमने क्या लिखना है, 2 मेथिल ग्रुप है वो हमारे पास एज इट इज होते हैं, देन थर्ड अपना क्या है, कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक मेथिल ग्रुप ये वाला है, दूसरा मेथिल ग्रुप ये वाला है, जो अपना थर्ड मेथिल था उसका क्या हो गया, एक एच पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया, और फॉर्मेशन किसकी कर ली, इसने डबल बॉन्ड की कर ली, तो यहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, देखिए 1 2 3 ठीक है, 2 पे अपना कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे यदि नहीं समझ आता है तो कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब भी क्लियरली समझ आ रहा है कि ये हो गया अपना कार्बन नंबर 1 2 3, 2 पे कौन जुड़ा हुआ, अपना मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो हम इसे क्या बोलते हैं, 2 मेथिल प्रोपीन बोलते हैं, 2 मेथिल प्रोपीन बोलते हैं, ठीक है, तो चीज क्लियर हुई कि किस तरह से यहाँ से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट क्या देगा, एल्डिहाइड प्लस H2 गैस, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है वो प्रोडक्ट यहां से क्या देता है, कीटोन प्लस H2 गैस, और जो अपना 3 डिग्री अल्कोहल है उसका प्रोडक्ट यहां से क्या होता है, एल्कीन प्लस H2O। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ये होती है कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, तो यहां से देखिए दो जो तीनों अपने अल्कोहल का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं इन्हें तो हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन,
ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल है वो अपना क्या देता है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो सेकंड वाली रिएक्शन आती है अल्कोहल की, ये वो वाली रिएक्शन हुई जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। सेकंड जो रिएक्शंस आती हैं हमारी, वो आती हैं ऐसी रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, यानी कि जो रिएक्शंस है उनका इंटरमीडिएट है वो कार्बोकटाइन फॉर्म होता है। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शंस कौन सी हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विच इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, यानी कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। तो ऐसी वाली रिएक्शन है वो कौन सी होती है, तो देखिए ये वाली जो रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म लगती है, सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ से। तो देखिए मैं आपको एक जनरल से एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि यदि हमने क्या किया, यहाँ से कोई ROH ले लिया, ठीक है, बॉन्ड हमें कौन सा ब्रेक करना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहां से जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो फॉर्मेशन किसकी होती है, आर पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है, यानी कि रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो कौन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन होता है, कार्बोकेटायन यहाँ से होता है। अब कार्बोकेटायन जब इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ये चीज भी पता लगनी चाहिए कि यहाँ पे जो अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कौन सी अप्लाई होंगी और यहाँ पे कौन से अल्कोहल की रिएक्टिविटी है वो किस तरह से होती है। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है सिमिलर ही ऑर्डर होता है किसका, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल का। तो देखिये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर यदि मैं आपको बताऊं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मेथेनॉल। सॉरी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। चीज क्लियर हुई कि 3 डिग्री वाला अपना जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और ये जो इंटरमीडिएट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी या फिर डिस्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो सारी चीजें बीएससी फर्स्ट ईयर में आपकी पढ़ी हुई होती है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्यों अपना 3 डिग्री कार्बोकेटायन वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं, प्लस आई फैक्टर लगता है और दूसरा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है क्यों, क्योंकि प्लस आई फैक्टर की वजह से, नंबर वन तो कौन सा होता है प्लस आई फैक्ट और सेकंड कौन सा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इन दो फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे 3 डिग्री जो अपना कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहां से जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है वो क्या होने वाली है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। अब कार्बोकेटायन है वो तो 1 डिग्री में भी फॉर्म होगा, 3 डिग्री में भी फॉर्म होगा, लेकिन वही कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ना इजिली जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन से अल्कोहल की होने वाली है, 3 डिग्री की। 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मेथेनॉल। तो ये यहां से कुछ ऑर्डर होता है अपना रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का। तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर और ये हो गया रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर। अब इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म लगेंगी इसके डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में। तो देखिए 3 डिग्री आपका जहां कहीं भी सबस्ट्रेट होता है, ये चीजें बीएससी फर्स्ट ईयर में भी अच्छे से आपकी पढ़ी हुई होती है। हालांकि मैंने अभी तक बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चैनल पे स्टार्ट नहीं किया है, बट जल्दी करने वाले हूँ स्टार्ट। तो यहाँ से देखिए 3 डिग्री जो अपना होता है वो हमेशा कौन सी रिएक्शंस देता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म वो कौन सी लगती है, यहाँ पे SN1 लगती है। और जो अपना 1 डिग्री होता है या फिर 0 डिग्री होता है वो ऑलवेज कौन सी देता है, SN2 रिएक्शन देता है।
तो चीज क्लियर हो गई कि 1 डिग्री 0 डिग्री है वो तो ऑलवेज कौन सी देगा, SN2 देगा। और जो अपना 3 डिग्री सबस्ट्रेट होता है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑलवेज कौन सी लगने वाली है, SN1 मैकेनिज्म लगने वाली है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट की लगेगी और यहाँ पे ऑर्डर सेकंड की लगेगी। जो बच जाता है अपना 2 डिग्री, यहाँ पे SN1 भी लग सकती है, SN2 भी लग सकती है, ये डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे, जैसे लाइक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या फिर अपना कोई भी मीडियम हो गया, उन सारी चीजों पे ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे SN1 लगने वाली है या फिर SN2 लगने वाली है। ठीक है, तो चीज क्लियर हुई कि 3 डिग्री अल्कोहल जहां कहीं भी आ रहा है आपका, तो हमेशा रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कौन सी होने वाली है, SN1 मैकेनिज्म होगी। और यदि मेथेनॉल या फिर 1 डिग्री आ रहा है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म वो कौन सी होगी, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होने वाली है। अब यहाँ पे क्या SN1 होती है, क्या SN2 होती है, चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, वरना टॉपिक बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा, क्योंकि ये सारी बीएससी फर्स्ट ईयर की चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SN1 में क्या होता है, जैसे ही कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ से SN1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है, रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होता है। SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर होता है, यानी कि आपको दो आइसोमर्स, दो इनेंशियोमर्स यहाँ से मिलते हैं, दोनों का जो रेशियो है वो होता है 1:1, 50% एक प्रोडक्ट होता है, 50% दूसरा प्रोडक्ट होता है। देन यदि मैं बात करूँ SN2 की, तो SN2 में क्या होता है, SN2 में आपको यहाँ से ऑब्टेन होता है इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन। कि यदि आपने अल्कोहल लिया हुआ है कोई भी आर कॉन्फ़िगरेशन वाला या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, यदि आपने आर कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्कोहल लिया है तो यहाँ से एस कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और यदि आपने एस कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्कोहल लिया है तो यहाँ से आर कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे SN1 और SN2 रिएक्शन के। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रिएक्शंस देखते हैं पर्टिकुलर वन बाय वन करके, कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म लगती हैं, और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो एक बार के लिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अब देखिए इनमें जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो हम करा लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो फर्स्ट रिएक्शन है वो मैं रख देती हूं यहां पे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड्स अपने क्या होते हैं, HX, और X यहां पे क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं होता, सारे लोगों को पता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो नेचर है वो एक्सप्लोसिव नेचर होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है फ्लोरीन की, इसी वजह से इसका एक्सप्लोसिव नेचर होता है, रिएक्शंस में ये विस्फोट कर देता है एकदम से, तो इसीलिए फ्लोरीन है वो हम नॉर्मली नहीं यूज करते SN रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो फिर कौन कौन से हैलोजन्स यूज करते हैं, या तो क्लोरीन करते हैं, या फिर ब्रोमीन करते हैं, या फिर आयोडीन हम यूज करते हैं। अब देखिए HX के साथ हम रिएक्शन किस तरह से कराएंगे और क्या यहाँ पे प्रोडक्ट होने वाला है, तो सिंपली हमने ले लिया ROH, ROH कोई भी हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HX के साथ करानी है। ठीक है, हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करानी होती है, तो यहां से जब अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है HX के साथ, तो प्रोडक्ट है वो किस तरह से फॉर्म होगा, देखिए पहले ही मैंने क्या बता दिया कि यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, R पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है, OH नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है, देन हमने क्या रखा हुआ है, अपना HX रखा हुआ है। HX जो है ये किस तरह से ब्रेक होता है, देखिए H पॉजिटिव में ब्रेक होता है, X नेगेटिव में ब्रेक होता है, चीज क्लियर हो रही है। और रिएक्शन है वो हमारी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड यहाँ से यूज कर सकते हैं, ZnCl2 कर सकते हैं, या फिर H2SO4 कर सकते हैं, या फिर P2O5 कर सकते हैं, तो ऐसे आप कोई भी यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो रख सकते हो एज ए ऑब्वियस। तो हमने यहाँ पे रखा हुआ ZnCl2। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव मिलके H2O की फॉर्मेशन करेंगे, माइनस होता है यहाँ से H2O, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देन R पॉजिटिव X नेगेटिव, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो RX एल्किल हैलाइड है वो फॉर्म होता है।
देखिए रिएक्शन है वो बिल्कुल भी नई नहीं है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्किल हैलाइड्स 12th क्लास में एल्किल हैलाइड्स पढ़ के आए होते हैं, और एल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन मेथड ही पढ़ा है हमने यहाँ पे कि किस तरह से हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। तो समझ आ रहा है, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन कराते हो एच एक्स हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और यहाँ से फॉर्मेशन होती है एल्किल हैलाइड्स की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेकंड रिएक्शन हम कौन सी देख सकते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया CH3OH और साथ में हमने ले लिया यहाँ से HCl, ZnCl2 की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन हो रही है, तो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, CH3Cl फॉर्म होगा प्लस H2O। ठीक है, ये कि अपना क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड फॉर्म हो गया, साथ में H2O फॉर्म हो गया हमारा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है कि जब हम मेथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से अपना एल्किल हैलाइड है वो फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम करा लेते हैं CH3CHOH प्लस HBr, HBr रख लें इस बार। तो देखिए एक बात यहाँ पे और होती है कि जो अपना HCl होता है उसके केस में स्पेसिफिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस है वो यहाँ पे नेसेसरी होती है, यदि आप HBr और HI रखते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड यदि आप रखते हो, तो यहाँ पे यदि आप रखते हो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो भी चल जाता है, और नहीं भी रखते हो एक बार के लिए तो भी काम चल जाता है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो नेसेसरी नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, ये चीज भी बात आती है यहाँ पे कि क्यों नहीं होता। ठीक है, मान लिया नहीं होता, लेकिन रीजन तो चाहिए ना कि क्यों नहीं होता। तो देखिए रीजन यहाँ पे मैटर करता है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो यहाँ से HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, HI है वो मोर रिएक्टिव होता है, देन HBr होता है, देन HCl होता है। तो यहां से देखिए आपको क्या चीज समझ आनी चाहिए कि HI है वो बहुत ही इजीली H पॉजिटिव है वो डोनेट कर देता है, HBr है वो भी इजीली H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, लेकिन HCl है वो इतना इजीली H पॉजिटिव नहीं डोनेट करता। देखिए सबके माइंड में क्या होता है कि HCl है वो मोर एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन ये चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि मोस्ट एसिडिक होता है अपना HI ना कि HCl। HI है उसकी एसिडिक नेचर वो बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि आयोडाइड जो आयन अपना होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है और बहुत ही इजीली बड़ा साइज होने के कारण, देखिए एच पॉजिटिव है वो अपना इतना सा होता है, आयोडाइड है वो अपना इतना बड़ा होता है, तो दोनों में ओवरलैपिंग है वो बहुत ही, हम बोल सकते हैं बहुत ही कम ओवरलैपिंग होती है, और इसकी वजह से ये एच पॉजिटिव है बहुत ही आसानी से दे देता है, और इसकी एसिडिक नेचर वो मोस्ट एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, तो यहाँ से चीज क्लियर हुई कि क्यों HBr और HI की केस में हमें ZnCl2 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती और HCl की केस में होती है। तो ये चीज कहाँ से आती है, यहाँ पे आती है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे आते हैं हम बैक टू अपनी रिएक्शन पे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव निकलेगा और H पॉजिटिव, तो H2O का मॉलिक्यूल है वो तो एलिमिनेट होता है, और फॉर्मेशन किसकी होती है यहाँ से CH3CH3CHBr, फॉर्मेशन किसकी हो गई CH3CH3CHBr की फॉर्मेशन हो गई, और ये हमारा साथ में H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, 1, 2, 3 कार्बन नंबर अपने कितने होते हैं, 3 है, या फिर आप इसे किस तरह से लिखते हो, देखिए मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत मैटर करता है, कई बार आपको इस तरह से लिखा हुआ समझ नहीं आता, तो यदि आप ऐसे लिखते हो तो भी ये सेम ही कंपाउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी भी कंपाउंड आपका सेम ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इजीली समझ पाते हो 1, 2, 3। यदि आप इस वाली साइड से भी नंबरिंग करते हो, देन भी ब्रोमाइड वाले कार्बन को यहाँ पे नंबर 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना प्रोडक्ट है वो क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर यदि हम करें तो किस तरह से होगा, तो यहाँ से इसका IUPAC नेम वो क्या होता है, 2-bromo-propane होता है। नेम क्या होने वाला है, 2-bromo-propane होता है। तो इस तरह से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, और यहाँ से एल्किल हैलाइड्स हैं वो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब हमारा बचता है 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, तब तक के लिए एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो देखिए यहाँ से ये तो हो गई 1 डिग्री और 2 डिग्री की रिएक्शन, अब हम आते हैं 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री में देखिए यहाँ पे एक और चीज होती है कि 3 डिग्री है वो HCl के साथ भी
देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। 3 डिग्री है वो HCl के साथ भी रिएक्शन कर लेता है इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl2। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री है उसकी खुद की रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो एक की रिएक्टिविटी यदि ज्यादा है तो वो दूसरे की रिएक्टिविटी यदि कम भी है, जैसे लाइक 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो HCl की रिएक्टिविटी यदि कम भी है तो भी ये रिएक्शन को ले जाता है आगे की डायरेक्शन में। तो यहां से देखिए हमने ले लिया 3 डिग्री एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल ले लिया हमने। टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी होती है HCl के साथ, तो ये रिएक्शन है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलेगा, CH3 टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड मिल जाएगा, प्लस में H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, और लिया गया था हमने टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया था। तो ये यहां से होती है 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होता है, रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो यहां पे लगती है SN1 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1 अपनी कौन सी रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। रिएक्शन है वो अपने 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप फर्स्ट में यहां से क्या होता है, देखिए स्टेप फर्स्ट में सेल्फ आयनाइजेशन होता है कंपाउंड का। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में यहां से सेल्फ आयनाइजेशन होता है, और स्टेप फर्स्ट होता है वो यहां से स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहीं से हम डिटरमाइन करते हैं कि अपनी जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से हो रही है या फिर SN2 से हो रही है। तो यहां से फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो जाता है कार्बोकैटायन, और देन सेकंड स्टेप में यहां से होता है आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक, पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप में यहां से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। देखिए मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये चीजें हैं ये आपकी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यदि पीछे का याद है तो बहुत इजीली कर पाते हो। और ये यहां से फॉर्म हो जाता है आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो मैकेनिज्म है वो भी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा है वो एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेल्फ आयनाइजेशन कराना होता है, फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कार्बोकैटायन यहाँ से फॉर्मेशन होती है। देन सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना होता है कार्बोकैटायन पे, और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, यहाँ से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, साथ ही देखिए मैंने यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल बनाया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ से रेसेमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। एक आपका क्लोराइड है वो यदि पीछे की तरफ इधर जुड़ा हुआ है तो दूसरा किधर जुड़ेगा, पीछे की तरफ जुड़ेगा, यानी कि दोनों का जो कॉन्फिग्रेशन है वो इन्वर्स होता है। खैर आपको उतना आगे तक नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में यहाँ पे कंप्लीट होती है, और इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल इसी पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन की मैकेनिज्म है, रिएक्शन की रेट है वो इसी पर डिपेंड कर रही है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो ये तो हो गई फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। सेकेंड रिएक्शन आती है यहां से रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, और फॉस्फोरस हैलाइड्स में हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहला PX3 ले लेते हैं, रिएक्शन विद PX3। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड,
फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, आर ओ एच की रिएक्शन करानी है पी एक्स थ्री के साथ में, ठीक है। तो रिएक्शन है वो किस तरह से होगी, देखिए जब रिएक्शन कराते हैं आर ओ एच प्लस पी एक्स थ्री की, तो यहाँ से देखिए तीन जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एक पी एक्स थ्री के साथ, और जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है, थ्री आर एक्स फॉर्म होता है प्लस में एच थ्री पी ओ थ्री फॉर्म होता है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ से फॉर्म होता है और साथ में एल्किल हैलाइड है वो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट होता है। रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो एक दूसरी रिएक्शन है उनको कोरिलेट करके पढ़ा करो, यहाँ से आप दूसरा टॉपिक है वो कौन सा क्लियर कर रहे हो, साथ में प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, तो वो भी यहाँ से हो रहा है कि आप किस तरह से अल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो, ठीक है। और साथ में केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल भी चल रहा है, तो सारी चीजों को कोरिलेट करके पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। देन देखिए हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ से तीन मॉलिक्यूल्स हमने रिएक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया अपना आर ओ एच और आर ओ एच, तीन मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, साथ में हमने क्या लिया हुआ है पी एक्स थ्री लिया हुआ है। देखिए मैं सिर्फ आपको जनरल से समझाने के लिए लिख के बता रही हूँ, मैकेनिज्म है वो इस तरह से नहीं होती, मैकेनिज्म है वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा जनरल बता रही हूँ कि किस तरह से है वो रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से एच थ्री पी ओ थ्री, देखिए क्या फॉर्म हुआ एच थ्री पी ओ थ्री, तो एच थ्री पी ओ थ्री है वो तो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाता है। देन देखिए जैसे जैसे फॉस्फोरस है वो एक एक हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करता जाएगा, तो यहाँ से एक्स नेगेटिव हम वो निकलते जाएंगे, एक एक करके एक्स नेगेटिव यहाँ से एलिमिनेट होते हैं और वो आके यहाँ पे जुड़ेंगे कहाँ पे, आर पॉजिटिव पे जुड़ेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे थ्री आर एक्स की फॉर्मेशन होती है और एच थ्री पी ओ थ्री फॉस्फोरिक एसिड की यहाँ से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। साथ ही एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये वाले रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो जो अपना फॉस्फोरस होता है ना उसकी बहुत ही हायर टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। देखिए बॉन्ड तो इसने हैलाइड्स के साथ भी फॉर्म किया हुआ है, लेकिन ये खुश कब होता है, जब इसे ऑक्सीजन मिले। देखिए जस्ट लाइक ये होता है कि खाने को तो हम कुछ भी खाते हैं ना, जैसे सब्जी रोटी खाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब कोई अच्छी सी मिठाई मिल जाए, सपोज दैट काजू की बर्फी मिल जाए, तो फिर तो कुछ मजा हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि वो चीज हमारी ज्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो सेम वो ही कंडीशन होती है फास्फोरस की, तो बनाने को तो ये बॉन्ड हैलाइड के साथ भी बना रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की इसकी बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी होती है कि यदि इसे ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये बाकी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ केस होता है फास्फोरस का। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूं। तो देखिए मैकेनिज्म में आपको करना क्या है, ये तो मैंने बताया था सिंपल सा कि कुछ इस तरह से होता है कि तीन मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म पे यदि चलें तो मैकेनिज्म किस तरह से होती है, मैकेनिज्म में देखिए एक बार के लिए कौन आता है अपना आर ओ एच प्लस में क्या लिया हुआ हमने पी एक्स थ्री लिया हुआ है, आर ओ एच साथ में क्या लिया हुआ है पी एक्स थ्री लिया हुआ है। अब पी एक्स थ्री फॉस्फोरस जो अपना होता है, देखिए नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है, नाइट्रोजन है वो मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, थ्री बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये फाइव बॉन्ड्स तक की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस होता है कि ऑक्सीजन जो अपना होता है ये फॉस्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, और जैसे ही ऑक्सीजन अपने लॉन्ग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है तो यहां से कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है। अब देखिए जैसे ही फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ऑक्सीजन से, तो ये क्या करता है अपना एक हैलोजन है उसे हैलाइड की फॉर्म में बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है, एक हैलाइड अपना यहाँ से निकल गया। अब एक हैलाइड निकल गया तो देखिए देन होगा क्या, यहाँ से क्या होता है कि अभी ऑक्सीजन को एक तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो तो वो चीज हमें देखनी है। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक है वो किस तरह से होता है कि ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन लेता है और एच ओ पी एक्स टू या फिर PX2OH की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है और R पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। अब R पॉजिटिव है वो X नेगेटिव के साथ यहाँ से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और इसी वे में रिएक्शन है वो आगे चलती जाती है, एक एक करके एक्स नेगेटिव निकलता जाता है और यही एक्स नेगेटिव बैक आके रिएक्शन किस पे करता जाता है, अपना जो एल्किल ग्रुप होता है इस पे रिएक्शन आके ये करता जाता है। तो इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होती है अपनी H3PO4 और एल्किल हैलाइड की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो हमारी आती है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड PX5 के साथ, ठीक है। रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड,
PX5 के साथ है, वो अपना अल्कोहल किस तरह से रिएक्ट करता है, वो चीज हमें देखनी है। तो देखिए इस बार हमें क्या करना है, PX3 की जगह पे सिर्फ क्या रखना है, PX5 रखना है। और यहाँ पे रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि पहले जहां पे एक PX3 के मॉलिक्यूल के साथ तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हम वो रिएक्ट कर रहे थे, इस बार क्या होता है कि एक PX5 के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होता है यहाँ पे, कि प्रोडक्ट है वो तो सिंपल सा पता ही है कि क्या फॉर्म होने वाला है, एल्किल हैलाइड ही फॉर्म होने वाला है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और साथ में क्या फॉर्म होता है, साथ में फॉर्म होता है HX+POX3, ठीक है। ये यहाँ से रिएक्शन का कुछ प्रोडक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले चीज तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल यदि हम लेते हैं यहाँ से, तो हमने ले लिया सपोज दैट CH3CH2OH, साथ में हमने यहाँ पे लिया हुआ है PCl5। रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो देखिए रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, CH3CH2Cl। सबसे पहले चीज तो ये आ गई, एथिल क्लोराइड है वो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, एथिल क्लोराइड फॉर्म हो गया, साथ में क्या फॉर्म होगा, HCl फॉर्म होगा और साथ में POCl3 फॉर्म होता है। अब रिएक्शन से ये वाला जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से ऑब्टेन हुआ वो चीज हमें देखनी है, कि मैकेनिज्म है वो यहाँ पे किस तरह से होती है। तो देखिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, CH3CH2OH लिया, ठीक है, CH3CH2OH लिया। रिएक्शन किसके साथ करानी है, PCl5 के साथ रिएक्शन करानी है। तो देखिए रिएक्शन हम करा देते हैं, चलिए PCl5 से, PCl5 हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां से HCl निकालिए, यहां से एथिल क्लोराइड निकालिए और POCl3 की फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन समझ में आई, करना क्या है, H पॉजिटिव निकालिए, H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, एक Cl नेगेटिव को लेके जाएगा, जैसे ही Cl नेगेटिव निकलता है यहाँ से फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देन अगेन देखिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, Cl नेगेटिव निकालिए, और जैसे ही Cl नेगेटिव निकलता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो POCl3 यहाँ से फॉर्म होता है, HCl फॉर्म होता है और साथ में मेजर प्रोडक्ट एथिल क्लोराइड है वो यहाँ से फॉर्म होता है, और कुछ इस तरह की रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। तो ये हो गई अपनी केमिकल रिएक्शंस, अभी रिएक्शंस हम वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।